अच्छा तो यार जहाँ से एंड वो वाला व्लॉग किया तो अब ये वाला स्टार्ट कर दिया, और थंबनेल और टाइटल से आपको कंट्री तो पता लग ही गई होगी। तो हम जा रहे हैं नेपाल, तो यहाँ से हमारी फ़्लाइट है काठमांडू सिटी की। तो अभी हम जा रहे हैं काठमांडू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम 4 to 5 hours में काठमांडू पहुँच जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देवताओं की सरजमीन पर कदम पड़ चुके हैं। बहुत हैक्टिक था लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपको नेपाल एयर का प्लेन भी दिखाता हूँ। ओके दिस इज़ द एयरप्लेन ऑफ नेपाल एयर, और ये भी काफ़ी बड़ा और मुझे इसका कलर बड़ा पसंद आया। दिस इज़ द स्टैचू ऑफ बुद्धा, और आप ये देख सकते हैं नेपाल के कल्चर ने हमें एयरपोर्ट पर वेलकम कर दिया। तो इसके साथ भी हम अभी एक पिक्चर लेते हैं। ये बाबा भी यहाँ खड़े हुए हैं। We have reached to Nepal at least at very and a good destination at last. Thank you. एयरप्लेन में थोड़ा बहुत मैंने वो सैलड वैलड खाने के बाद ना आपका भाई ऐसा टल्ली हुआ है कि उसे कुछ होश नहीं। वो मुझे अभी जाके एंड पे लैंडिंग के वक्त उठाऊँ, और वो भी दिखाने के लिए कुछ था नहीं क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो उतर के ही व्लॉग बनाऊँगा। मैं पहली दफ़ा मैंने मैनुअल बेल्ट देखी है, मैनुअली कर रहे हैं इसको मैनेज। अभी मैं इधर से एक ट्रॉली लेने आया हूँ, और ये ट्रॉली लेके जाते हैं और अपना लगेज उठाते हैं सारा जितना भी हमारा बैगेज पड़ा हुआ है। ओके अभी हम अपने लगेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि लगेज हमारा आ जाए। हमने रैप करवाया था दो बार वहाँ, उन्होंने वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन मैं आपको बता रहा था मैंने डबल ना सिक्योरिटी के लिए रैप करवाया था हमने, तो वो अच्छा रहता है, बस वो आपको करवा लेना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। मीरब जो है वो बैग निकालने लगी यहाँ से, अभी आने दो बैग को। हम सबके ना सबके बैग हो गए, बस पापा का बैग रह गया और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं इधर। मामा का भी हो गया, मीरब का भी हो गया, रूहान का भी हो गया, मेरा भी हो गया, पापा का बस बैग रह गया। नहीं ना नज़र, ओए पापा का बैग नज़र आ रहा है, अरे आ रहा है। आप हौसला रखो, बैग आपको जिंदा ही है। अभी यहाँ से ना मैं मनी एक्सचेंज करता हूँ, और हमने नेपलीज रुपी लेने हैं, ऐसे ही है ना नेपलीज रुपी लेने हैं, और अब लेंगे अब मेरा ख्याल यूरोज़ के लेने हैं हमने नेपलीज रुपी। और लगेज वाला काम तो हो गया सारा, अभी हमारा रहता है काम एक करेंसी वाला और सिम वाला। मैं आपको बताता हूँ क्या किया हमने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाँ ये करेंसीज चेंज हो सकती हैं, और इसके ये आपको रेट्स मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। अच्छा 1675 यूरोस हमने चेंज करें, जिसके हमें 234 नेपलीज रुपी मिल गए, 234,000 नेपलीज़। तो उसके बाद आपको नेपलीज़ रुपी भी दिखाऊंगा किस तरह का होता है। अभी होटल जाके थोड़ा रेस्ट करके
वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हम आ गए हैं लिस्ट में और अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड पे। अभी हमने ढूंढना है राहिल भाई को कि वो किधर है, तो यहाँ से अब उन्हें ढूंढते हैं। पापा आपने उनको कभी देखा है पिक्चर में? पापा को खैर उनका पता है, तो अभी देखते हैं कि वो अभी आए हैं इधर के नहीं आए। वैसे उनको हमने टाइमिंग बता दी हुई थी। यार हमने जैसे ही इसको देखा हमें मरी वाली फील आई, और इतनी वहाँ बाहर सर्दी है। पापा ने पहले जैकेट उतारी भी थी, अब ऊपर तक पहन ली है तो आप देख सकते हो। और इसका बड़ा मज़े का है, अभी मैं आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ, ये टैक्सी के बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे और राहिल भाई अभी उनसे बारगेनिंग कर रहे हैं कि कहाँ तक फाइनल होती है बात, वो फिर हमें एंड पे पता लगेगा। अभी मैं पहले पूछूंगा, फिर आपसे मैं राहिल भाई को भी आपसे मिलवाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, ये जो एयरपोर्ट है ना जिस एरिया में, इस एरिया का नाम है सीना मंगल। तो अभी हम सीना मंगल में हैं और अभी राहिल भाई ने बार्गेनिंग करके कैब करवाई है, और अभी हम इसके अंदर बैठेंगे और अपने होटल जाएंगे। और हमारा होटल है पटन में, पटन दरबार स्क्वायर है। यहाँ बहुत प्यारी जगह बख्तपुर के पास है, बख्तपुर में भी बड़ी ज़्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाला, वो हम कल एक स्वाद। अभी हम तीनों फंस के बैठे हैं, तो बैठ गए हैं, तो अभी बस थोड़ा, मेरा ख्याल इतना ज़्यादा दूर नहीं है पटन यहाँ से एयरपोर्ट का। मैंने जो टूरिस्ट मैप देखा था ना उसमें इतना दूर नहीं है एयरपोर्ट से पटन। मामा ने ना हमें एक बात समझाई है, वो बताना। मैं कह रही हूँ कि जहाँ भी हम जाते हैं ना नेटिव लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऐसी भी अपनी पंजाबी बोला करिए, ताकि अभी चित्तर बित्तर करें, तो ऐसी भी चित्तर बित्तर करा करिए ना, उन्हें समझ आते। मामा कह रही है पंजाबी बोला करो। जिस तरह है पाकिस्तान में स्टेयरिंग जो है वो होता है राइट साइड पे और ड्राइविंग लेफ्ट पे होती है, सेम एज पाकिस्तान नेपाल में भी वही सिस्टम है। तो अभी जब हम जा रहे हैं ना, मैंने वही चीज़ नोट किया कि यहाँ भी ट्रैफिक का निज़ाम हमारी तरह सेम है। अभी इन्होंने हमें एक वेलकम ड्रिंक दिया और ये बहुत ज़्यादा मज़े का। अली फूड आया, इसके अंदर ये मटर पनीर है और साथ में राइस है और आलू मटर गाजर या गोभी कुछ इस टाइप का मिक्स वेजिटेबल कह सकते हैं, और साथ में राइस है। अब वो हम टेस्ट करेंगे। मॉर्निंग यार, अभी अगला दिन हो चुका है, तो मैं कल वाला व्लॉग अभी एंड कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम है बख्तपुर का। तो वो आपको इससे अगला व्लॉग जो आएगा ना तो उसके अंदर सारा नज़र आएगा। तो आज का व्लॉग यहाँ ही एंड करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।